डेटा है हमारे पास, वेयर इज माय पेज, अच्छा उसने हमें दिया हुआ है एस एस प्लस ओ टू। अच्छा मैंने आज ही क्लिब्रियम की क्वेश्चन बच्चे को कराई है, ये की है ना, एस प्लस ओ टू गिव्स एस ओ थ्री बैलेंस केमिकली, सॉरी एस प्लस ओ टू गिव्स एस ओ टू एंड दैट, फिर उसने जो है प्रोसेस अचीव किया है बाय रिएक्टिंग एस ओ टू विद ओ टू टू गिव्स टू एस ओ थ्री। उसने दोनों की रिएक्शंस हमें एनर्जी दे दी हुई है। उसने कहा है वी हैव टू कैलकुलेट द हीट ऑफ एनर्जी फॉर द रिएक्शन ऑफ एस प्लस ओ टू गिव्स एस ओ टू की, हमें रिएक्शन एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करनी है। ओके हाँ, एस लॉ ही लगाएंगे, अप्लाई करेंगे इसके ऊपर हम लोग। तो लेट्स से के टू एस ओ टू प्लस एस ओ थ्री की हमारे पास एनर्जी है। वन थ्री नाइनटी फाइव विच इज अप्रोक्सीमेटली 395 को डिवाइड बाय टू करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। सर अगर आप कहीं लिख रहे हैं तो मुझे दिख नहीं रहा। 197.5 नहीं, मैंने अभी दिख नहीं रहा, मैं अभी सिर्फ कैलकुलेशंस मांग रहा हूँ आप लोगों से। ओके एस ओ टू की एनर्जी उसने हमें, एस ओ टू की एनर्जी उसने हमें दी हुई है 198। लेट मी वर्क, आपको स्क्रीन तो नजर आ रही है ना। यस सर आ रही है। अब देखो एस ओ टू की हमने एनर्जी निकालनी है, ठीक है, एस ओ थ्री की उसने हमें दी हुई है, हमें पता है इसकी जीरो होती है, ठीक है, जी सर। मीन जो एस ओ टू की एनर्जी है वही एस ओ थ्री की एनर्जी है विच इज 198.2। ठीक है, अगर मैं 198 को डिवाइडेड बाय टू कर दूं तो मेरे पास इसकी एनर्जी निकल आएगी, क्योंकि ये सिंगल है ना, यहाँ पे दो की एनर्जी दी हुई है, ये बैलेंस्ड है यहाँ पे, इसने यहाँ पे सिंगल एस ओ टू बिल्कुल दी सर। हुई है, तो 198 को डिवाइड बाय टू कर दें तो इसने आंसर दिया हुआ इसका। नहीं, आंसर नहीं दिया हुआ इसका। पॉइंट गेट हो गया दोनों को, आप लोगों ने भी प्रोबेबली किया भी ऐसे ही होगा कि एस ओ टू यस प्लस ओ जी टू करें तो जो सम निकलता है वही आंसर ये आना है हमारे पास, ठीक है। तो अगर इसको मैं डिवाइडेड बाय टू कर दूं तो मेरे पास एस ओ टू 1 मोल ऑफ की एनर्जी निकल आएगी, सो 198.2 डिवाइडेड बाय टू कर दूं तो मेरे पास क्या आंसर आता है।99.1 आपका भी यही आया, यस सर। सलाह समझ में आया बेटे। अच्छा डेल्टा एक्स मतलब ऐसे प्रोडक्ट 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 की हीट। हाँ मतलब टोटल रिएक्शन की हीट होती है ना, तो चूंकि ओ की, ओ टू की अपनी वैल्यू जीरो है तो जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वही प्रोडक्ट की एनर्जी बनेगी, ठीक है। तो हमने सिंपली टू से सिर्फ इसलिए डिवाइड किया क्योंकि जिस इक्वेशन की हमने एनर्जी निकालनी है उसमें एस ओ टू की वैल्यू क्या है, एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्यूमिनियम कि उसने कहा है फ्राइंग पैन वेज 745 ग्राम्स इज हीटेड ऑन अ स्टोव फ्रॉम 25 डिग्री C टू 205 डिग्री C, टेम्परेचर डिफरेंस निकाल लेंगे यहाँ पे हमें, व्हाट इज क्यू फॉर द फ्राइंग पैन वेयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉरी इज फॉर एल्युमिनियम इज 24.35। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा, सर एम सी डेल्टा थीटा। मास उसने हमें 745 दिया हुआ है, उसको ग्राम्स से किलोग्राम्स में लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 745 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1000 ये आ जाएगा 0.745 किलोग्राम्स। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसने हमें दी हुई है विच इज 24.35 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर डिफरेंस विच इज 205 माइनस 25 इसका इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो क्या आ रहा है। तो
3265 है, लेकिन बुक में और दिया हुआ सर खबर तो कर लो मेरे बच्चे, जी। सर इसका आंसर बता दो, मैं बताता हूँ क्यों उन्होंने किया होगा। 3265 अब एल्युमिनियम का मास क्या होता है हमारे पास? बोला मैं सर 27 सो 745 डिवाइड बाय 27 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव ट्वेंटी नाइन सेवन पॉइंट फाइव नाइन 9 मोल। और क्यू इज इक्वल्स टू हमारे पास 24.35 किलो जाउल्स पर मोल दिया हुआ था उसने हमें, राइट? यस सर। अगर मैं उसको टाइम्स मोल से मल्टीप्लाई कर दूं, विच जो हमने अभी अभी निकाले हैं 27.59, आई गेस इसकी तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसको रहने दो। 24.35 किलो जाउल्स पर मोल दिया हुआ उसने हमें। बिल्कुल जी सर दिया हुआ दिया हुआ ये कहाँ गया? ये दिया 24 बस सर दिए। पॉइंट 35 जाउल, सॉरी मैं किलो जाउल गलती से बोली जा रहा हूँ, ठीक है? जी तो इसको उसके मोल से, जैसे मैंने कल आपको यूनिट्स बना के दिखाए थे, मोल मोल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सॉरी जाउल नहीं लिखना, सिर्फ किलो लिखना है यहाँ पे। 24.35 × 27.59 करो क्या आंसर आता। तो इसको हम लोग उसके साथ भी मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे सर, डेल्टा टी के साथ? करेंगे करेंगे, बट मैं कह रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कर दो, फिर तलहा सिक्स कंफ्यूज सेवेंटी हो वन जाएगा।